हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो लेकर आया हूं फिर से अकबर बीरबल की ऐतिहासिक कहानियां, वो कहानियां जो हमने बचपन में सभी लोगों ने पढ़ी हैं और इनकी कहानियाँ बहुत ही सीख देने वाली, प्रेरणा देने वाली होती हैं। तो चलते हैं कहानी पर। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी बातें भी हुआ करती थीं जिनकी परख करने में जान का खतरा रहता था। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बादशाह सलामत, संसार में सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास, बीरबल ने जवाब दिया। तो बादशाह अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिल में रख लिया और किसी समय इसकी परख करने का निश्चय किया। देवयोग से एक दिन एक हाथी पागल हो गया। ऐसे में हाथी को जंजीरों में जकड़कर रखा जाता था। बादशाह अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास की परख करने के लिए उधर तो बीरबल को बुलावा भेजा और इधर हाथी के महाबत को हुक्म दिया कि जैसे ही बीरबल को आता देखे वैसे ही हाथी की जंजीर खोल दे। बीरबल को इस बात का पता नहीं था। जब बीरबल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार की ओर जा रहे थे तो पागल हाथी को छोड़ा जा चुका था। बीरबल अपनी ही मस्ती में आराम से कोई गीत गुनगुनाते हुए चले जा रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र पागल हाथी पर पड़ी, जो चिंघाड़ता हुआ उनकी तरफ दौड़ा आ रहा था। बीरबल हाजिर जवाब, बेहद बुद्धिमान, चतुर और आत्मविश्वासी थे। वे तुरंत ही समझ गए कि बादशाह अकबर ने उनके आत्मविश्वास और बुद्धि की परीक्षा के लिए इस पागल हाथी को छुड़वाया है। दौड़ता हुआ हाथी सूंड को उठाए और जोर जोर से चिंघाड़ता हुआ तेजी से बीरबल की ओर चला आ रहा था। बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि वह इधर उधर भागकर भी अपनी जान नहीं बचा सकते थे। ठीक उसी वक्त बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। हाथी बहुत निकट आ गया था, इतना निकट कि वह बीरबल को अपनी सूंड में लपेट कर फेंक सकता था, कुचल सकता था, कुछ भी कर सकता था। तभी बीरबल ने झटपट से उस कुत्ते की पिछली दोनों टांगें पकड़ ली और पूरी ताकत से हाथी पर उसको घुमाकर फेंक दिया। बुरी तरह घबराकर चीखता हुआ कुत्ता बहुत तेजी से चीखा। कुत्ता जब हाथी पर जाकर टकराया तो उसकी भयानक चीख निकली। कुत्ता बहुत जोर से चिल्लाया तो कुत्ते की आवाज़ सुनकर हाथी भी घबरा गया और पलट कर भाग गया। बादशाह अकबर को बीरबल की इस बात की खबर मिल गई और उन्हें यह मानना पड़ा कि बीरबल ने जो कुछ कहा था वह सच है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा
हथियार है। तो दोस्तों, वैसे तो अकबर और बीरबल की कहानियाँ सभी मनोरंजक और शिक्षा प्रदान करने वाली होती हैं। इस कहानी से भी जैसे बीरबल ने बताया कि आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार होता है, यह बात बिल्कुल सही है। अगर इंसान के पास आत्मविश्वास नाम का हथियार है तो वह इंसान किसी भी संकट का आसानी से सामना कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर नई कहानी के साथ। तो जब तक बने रहिएगा इस चैनल पर। सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो पर।